तो पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्री फायर को अपने 1GB रैम यहां तक के 512MB रैम वाले पीसी लैपटॉप में भी प्ले कर सकते हो। ये वीडियो जो है ना ये एक फाइनल वीडियो, मतलब जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको यूट्यूब पे कभी भी नहीं सर्च करना पड़ेगा हाउ टू प्ले फ्री फायर ऑन 1GB रैम। अब ये जो वीडियो ना ये मुझे क्यों बनानी पड़ी, ये उन यूजर्स के लिए बनानी पड़ी जो कि बेचारे हर वीडियो के नीचे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने 1GB रैम में बताया नहीं चल रहा था। देखिए मेरी कोशिश वही होती है कि मैं क्लिक बेट ना करूं, वही आपको एमुलेटर या वही स्पेक्स बताऊं जिसमें कि वो एमुलेटर चल जाए। लेकिन कभी बार होता है क्या कि जो वीडियो में स्टेप्स बताए जाते हैं या तो वो आपसे फॉलो नहीं होते या फिर आपके सिस्टम का कोई ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर मिसिंग होता है, मतलब कोई भी इशू आ सकता है। तो इस वाली वीडियो में हम एमुलेटर में फ्री फायर को नहीं खेलने वाले, हम एक लाउड मेथड यूज करने वाले हैं। अब यार देखो इसके लिए हमें जाहिर बात है कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल की भी जरूरत पड़ेगी। और इस वाली वीडियो में मैं 512MB रैम, मतलब बिल्कुल जो लो एंड बजट का टैबलेट आता है ना या मोबाइल आता है उसको यूज करने वाला हूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हां भाई आप खेल सकते हो। मोबाइल अब के टाइम के भाई हर बंदे के पास होता है, लेकिन अभी आप जो है वो स्टूडेंट हो, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो यार आप खुद की अर्निंग से भी ये चीजें जो है वो बाय कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ब्लॉगिंग पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई और टैलेंट है कुकिंग वगैरह का या फिर ये टेक्नोलॉजी कोई भी टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो। यार मैंने भी ये जो चीजें यूट्यूब से तो नहीं बनाई, मैं ब्लॉगिंग कर करके इधर से अर्निंग करता हूँ, यूट्यूब पे इतनी अर्निंग नहीं होती क्योंकि हमारा टेक का चैनल है। तो भाई ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ इस वाली वीडियो में हम VIP सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, मतलब इसको मैंने प्रीमियम करके क्रैक किया, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ये मिलेगा TS गेम VIP बाय TS करके, जिसको आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं आपको आगे गाइड करूंगा। यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, एग्रीमेंट हिट नेक्स्ट, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये क्रैक्ड वर्जन है तो इसको इंस्टॉलेशन करना, सारा प्रोसेस आपने फुल वॉच करना है। मुझे नहीं बोलना कि हमारा एमुलेटर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ध्यान से सारी चीजें देखो। इंटरनेट कनेक्शन आपका कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेन स्टेप है, इंटरनेट ऑन ही नहीं करना आपने क्योंकि इंटरनेट की जरूरत है ही नहीं हमें। डाउनलोड करके ना TS गेम को इंटरनेट बंद कर दो, उसके बाद यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करो। दिस पीसी में जाओ अपनी एंड जिसमें विंडो इंस्टॉलर्स में जाओ, वहाँ पे आप प्रोग्राम फाइल दिखेगी एंड यहाँ पे आपको सिग्मा करके मिलेगा फोल्डर, इसमें जाना है, PC गेम्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको tcgames.exe मिलेगी, इसको आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेना। गाइस ये प्रीमियम अकाउंट की मेंबरशिप है, इसमें तो आपने यही डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाने वाले, वहां पर जाके मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अपने मोबाइल की क्या क्या सेटिंग करनी है। इस वाली वीडियो में ना मैं ये लिनोवो का टैब 4 यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं लो एंड टैबलेट यूज करने वाला हूँ, तकरीबन मैंने हर किस्म के मोबाइल के ऊपर जो है ये चीज की हुई है, आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी टेक्निकल सोल्यूशन पे। यहाँ पर सबसे पहले ना आपको सिंपल फंडा बताया तो आपको प्ले स्टोर में जाके TC गेम्स डाउनलोड करना है। जैसे ही आपका हो जाना उसके बाद ना आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना, कोई सा भी मोबाइल है उसकी सेटिंग में जो, यहाँ पर आपको ना अबाउट सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ करके मिलेगा, आपका अलग भी हो सकता है। लॉन्च कर लेने के बाद ना यहाँ पर आपको अबाउट अस का ऑप्शन दिख रहा है, मेरा दिख रहा है, तो आपका फ्रंट पे भी हो सकता है, हर मोबाइल का अपना होता है। यहाँ पर ना आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्ट नंबर मिलेगा, बिल्ट नंबर जैसे आप 5 दफा क्लिक करोगे नीचे लिखा आ जाएगा यू आर अ न्यू डेवलपर, मैंने ऑलरेडी एनेबल किया हुआ है, ठीक है, तो मेरा बैक पे डेवलपर ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेवलपर ऑप्शन शो हो चुका है, ये हाइड रहता है, याद रख। इसको लॉन्च करो, लॉन्च कर लेने के बाद ना यहाँ पर आपको USB डिबगिंग को ऑन करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको जैसे USB डिबगिंग ऑन करेंगे नीचे वेरीफाई ऐप, मतलब USB के जो फीचर्स होते हैं उनको आपको ऑन करना है, ये दो होंगे, हो सकता है किसी और नाम से हो, तो इन दोनों को आपने ऑन कर लेना। ये देख सकते हैं नीचे वेरीफाई वाला, मेरे दो ऑन हो चुके हैं। ऑन हो जाने के बाद हमने जो TC गेम्स डाउनलोड किया था ना, सिंपल उसको लॉन्च कर लो। लॉन्च कर देने के बाद अपनी जो केबल है मोबाइल की उसके जरिए अपने जो टैबलेट है उसको कनेक्ट कर दो PC से, ठीक है, बस इतना काम आपको करना है और आपका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बैक अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैंने जो चीजें आपको बताई आपको वही जो है वो फॉलो करनी है। अब हमने किया क्या है, हमारा जो टैबलेट है ना वो इस टाइम कनेक्ट है हमारे PC से जो चार्जिंग केबल होती है उसके जरिए, ठीक है, तो अब हम करेंगे TC गेम्स को लॉन्च करेंगे। फिर से मैं बता दूं कि आपका इंटरनेट पब्लिक कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरनेट आपका ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VIP मेंबरशिप पब्लिक इसमें आपको दी गई है, तो आप भाई VIP मेंबरशिप के भी मजे ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर इसने मेरे टैबलेट को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टैबलेट का मॉडल फाइंड कर रहा है, मतलब सब कुछ सक्सेसफुली हो पा रहा है। तो यहाँ पर देख
देख सकते हैं मेरा टैबलेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अभी फिलहाल चलते हैं हम इसकी सेटिंग में। भाई ये वीआईपी है तो इसमें सारी चीजें अनलॉक है, मैक्स कर दो, आप जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में इतनी स्पेसिफिकेशन हाई नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो, एचडी रख सकते हो। अगर आपको क्वालिटी में इशू आ रहा है तो बिल्कुल 4K तक पे जा सकते हो। रिस्टार्ट मारोगे तो सारी सेटिंग अप्लाई, जो कि मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैनुअली देख सकते हो। यार बहुत ईजी है। अभी हम करते हैं फ्री फायर इसमें हमने इंस्टॉल करके रखा है, जस्ट लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। F9 भी प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं सारी की सारी। अभी मैंने इसकी पहले की मैपिंग आपको करके देने वाला हूँ। जूके पब्लिक ये एक प्रीमियम है तो इसमें भाई आपको फुल की मैपिंग मिलती है, मतलब फुल छूट है, जो करना है इसमें अपडेट करो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देने, ये सारे क्रैक्स ऐसे ही नहीं मिल जाते, ठीक है, बड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है यार। अब जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, कंट्रोल्स में जाए, कस्टम हब के ऊपर क्लिक करें, जो भी मेरी वाली सेटिंग है ना सेम डिटो कॉपी करनी है आपने, कोई भी चीज आपने अपने दिमाग से नहीं लगानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मली जो सेटिंग हर कोई करता है वो मैंने कर ली, अभी फिलहाल सेव करती है। अभी हमें इसकी सेटिंग करनी है। आपका ना देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से होगा, तो मैंने जो शिफ्ट वाले बटन यूज करने हैं ना उनको मैं एक जगह मिला लूंगा, शिफ्ट वाले बटन को। इसमें जो F वाले बटन है उनको मैंने देखे ऊपर लाके रख दिया, तो इस तरीके से आपने लाके रख देना। उसके बाद कीबोर्ड वाले सेक्शन में जाना, सबसे पहले मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर बटन है, राइट क्लिक ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ये आएगा कि परचेज करो, ये करो, ओके क्लिक करेंगे पब्लिक आपका राइट क्लिक का बटन सेट हो गया। एंजॉय करो, राइट क्लिक से भाई आपका जो स्कोप है वो स्कोप खुलेगा और ये वीआईपी ऑप्शन है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर जो जो बटन जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं ग्रेनेड से एक्स वाला बटन यूज करता हूँ, अब आप कोई और भी यूज कर सकते हो, आपके अपने होता है आपका हैंड किस पे सेट है। ये मेरी वाली कॉपी नहीं करनी, इसको आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि मैं अपने माउस की डीपी के अकॉर्डिंग सेट करूंगा, तो आपने अपने माउस के अकॉर्डिंग डीपी सेट करना है कि मतलब कितना आपका माउस मूवमेंट दे। इस तरीके से आपने की मैपिंग कर लेनी है। अभी फिलहाल एक छोटा सा गेम प्ले भी यार आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। गेम में राइट क्लिक चल रहा है कि नहीं, तो अभी हम एक छोटा सा मैच प्ले करके दिखा देते हैं। इसमें मैच मेकिंग फास्ट होती है क्योंकि जाहिर बात है हम खेलते मोबाइल पे रहे हैं ना। Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे डिवाइस पे खेले। अभी मैं आपको मूवमेंट करके दिखा, तो माउस को किया लॉक, मूवमेंट चेक करना, ये साइड पे जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये चेक करना, ये हो जाता है ना इधर भाग के आ जाता है, ये नहीं आएगा। और ये जितना लैग आ रहा है ना रेंडरिंग का मेरा जो आ रहा है, ये मेरे टैबलेट का लैग आ रहा है भाई, बहुत लो एंड टैबलेट है जिसपे दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आईपैड मिनी को भी टेस्ट करेंगे और बाकी जो जो सा आपको मोबाइल मतलब आपको उसको पड़ा ना आप मुझे इसको बोल सकते हो और वो मैं आपको टेस्ट कर दूंगा। And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be. तो पब्लिक यहाँ पर आप गन देख सकते हो, मेरा मकसद आपको दिखाना था। यहाँ पर आप स्कोप खोल के देख सकते हो, राइट क्लिक से स्कोप खोल रहे, ये आवाज सुन रहे हो ना ये उसी की आवाज है। एंड यहाँ पे मैटर आपका कंप्यूटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी डिवाइस, वो कितनी पावरफुल है, कितने अच्छे तरीके से जो वो आपके फ्री फायर को हैंडल करती है। अगर आपके पास शाओमी की मतलब तगड़ी टाइप की डिवाइस पड़ी है तो भाई आपको ऐसा एक्सपीरियंस आने वाला है कि आपके दोस्त लोग भी बोलेंगे कि भाई कैसा खेल रहे भाई, बंदा मार कैसे रहा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह की वीडियोस वगैरह देखने में इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।